Namaste and welcome to my channel. Indian Soul welcomes you a lot. And this is my balcony, and I am going to give a balcony tour to you people. So yes, it's a Hindi video. So Hindi में शुरू करते हैं. आज मैं आपको अपने बालकनी में बताने वाली हूँ कि कौन-कौन से पौधे मैंने लगाए हुए हैं. और जब आप इंडिया के बाहर आते हो, और या फिर इनफैक्ट यदि आप इंडिया में भी रहते हो, तो हमेशा आप जो है वो सब्जियां खरीद नहीं जा सकते हो. या फिर ना, जैसे हम लोग यहाँ जर्मनी में रहते हैं और एक छोटी सी सिटी में रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडियन वेजिटेबल्स मिलना बहुत मुश्किल है. तो सबसे अच्छा आइडिया है कि कुछ चीज़ें हम ही उगा लें. तो मैंने भी अभी यही किया है, और मैं आपको अपना छोटा सा बालकनी गार्डन दिखाती हूँ. और जब आप कोई भी चीज़ दिल से करते हो, रिसोर्सफुली करते हो, तो वो कुछ अलग ही नज़र आती है. तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने मेरी एजुकेशन ही जो है वो इस बारे में है. तो मुझे हर्बल और नेचुरल पौधे और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है. तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मैं बताऊंगी, पर राइट नाउ अभी देखते हैं कि हमारे बालकनी में क्या क्या लगा हुआ है. तो ये सबसे पहला पॉट है. यदि आप इससे परिचित नहीं हैं, तो ये एक जर्मन पौधा है, जर्मन हर्ब है. और इसको पार्सली या पीटरसिली कहते हैं, जर्मन में इसको पीटरसिली बोलते हैं. ये जो है ये एक इटालियन हर्ब का पौधा है, जिसको रोजमेरी बोलते हैं. और मैंने ये लगाया हुआ है, और यहाँ पे कुछ मिंट लगाया हुआ है. और अब हम आगे चलते हैं. ये मेरा एक छोटा सा टमाटर का पौधा है. तो यहाँ पे टमाटर की दो वैराइटीज़ मिलती हैं. एक वैरायटी होती है जो बहुत लंबी जाती है, और उसमें बड़े बड़े टमाटर आते हैं. और ये बालकनी वाली वैरायटी है, जिसको कॉकटेल टमाटो बोलते हैं, और इसमें बड़े अच्छे टमाटर के फ्रूट्स आ रहे हैं. देखो आप, ये वाला जो फ्रूट है वो कितना रेड हो रहा है. और देन यहाँ पे दो मैंने बाजल के पौधे लगाए हैं. तो आपको ये लग रहा होगा कि मैंने एक एक गमले में बहुत सारे पौधे लगाए हैं, पर ऐसी बात नहीं है. एक गमले में काफ़ी पौधे लगाने का कॉन्सेप्ट जो है वो कहलाता है अपना कैंपेनियन गार्डनिंग. तो उससे जो है वो मिट्टी सूखती नहीं है, और यदि ये पौधे आपस में कंपेटेबल होते हैं, जो कि वो यूजुअली होते हैं, तो जो है वो हमें यील्ड बहुत अच्छी मिलती है. ये जो है ये चाइव्स कहलाता है, और ये आप कह सकते हैं कि प्याज की एक छोटी सी वैरायटी है, जिसको आप सैंडविच वगैरह में डालने के लिए यूज़ करते हैं. ये बेजल के पौधे हैं, इटालियन बेजल के पौधे हैं. मैंने काफ़ी इंडियन और इटालियन हर्ब्स लगा रखी हैं यहाँ पे, दो चार जर्मन हर्ब्स भी लगा रखी हैं, क्योंकि मैं कुकिंग में इनका इस्तेमाल बहुत करती हूँ. और एक और बात थी कि है ना, मैं मार्केट गई, मैंने देखा, एक दिन तो ऐसे ही पौधे लेके आ गई, दूसरे दिन गई तो देखा उन पौधों में सेल लगी हुई थी, तो वो बहुत ही सस्ते मिल गए. तो मैंने बोला क्यों नहीं लगाया जाए. तो अब हम आते हैं अगले पॉट में. इसमें तो आप सब जानते हैं ये धनिया है. इतना मैंने धनिया लगा रखा है ताकि यदि मुझे कभी गार्निश के लिए चाहिए या चटनी वटनी बनाने के लिए चाहिए, तो फिर मैं धनिया यूज़ कर सकती हूँ. देन ये जो है ये कहलाता है थाइम. ये एक और इटालियन हर्ब है. ये जो है ये है ओरिगानो. ये भी एक इटालियन हर्ब है. तो इंडिया में ये मिलता भी है, पिज्ज़ा के साथ में सूखे हुए जो हर्ब मिलता है वो ये ओरिगानो है. दिस इज़ द फ्रेश प्लांट. तो देखो आप, ये ऐसा दिखता है, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है. जब भी आप है ना, मतलब जब यहाँ हवा चलती है, तो या फिर इसको यूं ही हाथ लगा के आप सूंघ के देखो, बहुत अच्छा लगता है. थोड़ी थोड़ी अजवाइन से मिलती जुलती खुशबू है इसकी, पर डिफरेंट है. और यदि आप लगा सकते हो तो ज़रूर लगाना चाहिए. देन यहाँ तीन गमलों में मुझे ना चने बहुत पसंद हैं. तो अब तो इंडिया में भी जो है वो अपने हरे चने मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. तो पर अब जो चूँकि मैं इंडिया के छोटे से सिटी में बड़ी हुई हूँ, और हमारी फैमिली फार्मर थी, तो हम तो यही सब चीज़ें खा के बड़े हुए हैं. तो यहाँ जो मैंने चने लगा रखे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ भूरे वाले जो चने होते हैं, जैसे अपन चना मसाला बनाते हैं, वो चने मैंने बो दिए, और ये पौधे निकले हुए हैं. और कुछ दिनों में ये खाने लायक हो जाएंगे. इसकी या तो चने की भाजी बना सकते हैं आप, या फिर इसको जो है वो जो इसके चने जो निकलेंगे वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो वो आप ऐसे भी खा सकते हो. तो अब चलते हैं, मैं आपको अपने वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स की तरफ लेके जाती हूँ.
ये जो है जब मैं अपना गमला मतलब जब मैं गमला सेलेक्ट कर रही थी और जब मैं अपने लिए पौधे के लिए पॉट्स ढूंढ रही थी, तो मेरे मन में ये था कि वो प्लॉट्स जो पॉट्स हैं वो स्टैकेबल होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो खड़े हो सके। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर स्टैकेबल जो मेरे को मिले हैं छोटे छोटे पॉट्स, ये बहुत अच्छे हैं। और करीब 5 यूरो में पूरा सेट आया, तो ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, तो इट्स वन ऑफ द वेरी गुड फाइंड्स। देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा धनिया लगा रखी है, और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मतलब 2-3 महीने में धनिया के बीज डालते रहिए तो फिर आपको मिलते रहेगी धनिया। देन ये अपना पालक लगा हुआ है, थोड़ा करीब से दिखाती हूँ, ये अपना पालक लगा हुआ है, और नीचे तो आप जानते हो क्या लगा हुआ है, मेथी लगी है। मेथी मुझे बड़ी पसंद है, और सभी इंडियंस जो हैं वो फ्रेश मेथी और फ्रेश धनिया इंडिया के बाहर आने के बाद बहुत मिस करते हैं, तो फिर क्यों नहीं उसको लगाया जाए। बहुत मतलब मेथी जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, यदि आप लगाना चाहो ना घर में, एक तो इतनी हेल्दी होती है, इतनी टेस्टी होती है, और आप लगाओ ना तो 1 महीने में जो है वो निकल आती है। मैंने 3 हफ्ते पहले इसके बीज डाले थे, और देखिए वो बिल्कुल पराठे बनाने लायक जो है, वो सब्जी बनाने लायक बड़ी हो गई है। अब ये जो है ये प्लांट्स प्लांट इंडिया में बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉबेरी है। तो ये मेरा स्ट्रॉबेरी टावर गार्डन है, तो सेम मैंने इसमें ऐसे लगा रखा है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि मैंने ये टावर गार्डन कैसे बनाया है, और बेसिकली बात तो यही थी कि मैं स्ट्रॉबेरी के पौधे लेकर आई और उसको इसमें लगाया, तो पर बाकी टाइप ऑफ स्ट्रॉबेरी और कैसे मैंने उनको चूज़ किया था ये मैं आपको बताऊँ। इसके पहले आपका एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी का टेस्ट टेस्ट किया था। इसमें बेसिकली 3 डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। ऊपर तरफ वाली जो है वो अक्टूबर में फल देंगी, और नीचे तरफ वाली जून जुलाई में फल दे रही हैं, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो इधर देखो आप, 2-4 फल लगे हुए हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के, छोटे छोटे, अब रेड हो जाते हैं तो पक गई है। आप इतनी छोटी है, आप सोचोगे कितनी छोटी है, इसमें स्वाद तो नहीं होगा, बाजार की स्ट्रॉबेरी से तो कई गुना अच्छा स्वाद है इनका। और जो स्ट्रॉबेरीज जून के समय उगती हैं वो ज़्यादा मीठी होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, इन कंपैरिजन टू जो स्ट्रॉबेरीज अपने अक्टूबर में उगती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं और मिलती नहीं है, आप जानते हो मार्केट में तो वो मिलती नहीं है। तो ये मेरा प्यारा सा स्ट्रॉबेरी गार्डन है। तो आगे के दिनों के लिए मैं कुछ और पौधे प्लांट करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ बीज बीज डाल रखे हैं। तो ये जो है वो ईटेबल फ्लावर्स के बीज हैं, और मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर मैंने गमलों में लगाऊं। और ये जो है ये केल के बीज डाले थे मैंने, ये जो है मानगोल्ड है, मुझे नहीं पता इसको हिंदी या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे बी यहाँ पर पॉपुलर ही नहीं है। ये बैंगन के 2 पौधे हैं, और ये जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पौधा है, इसका नाम है एडवर्ड स्पिनच, और बेसिकली और इसको आप बोल सकते हैं स्ट्रॉबेरी स्पिनच। तो ये जो है ये कैसा जो पौधा है, बड़ा मज़ेदार लगा मुझे, इसलिए मैंने इसके बीज लेके आई। इसके पत्तों को आप जो है वो पालक की तरह खा सकते हो, और इसके बाद में जब अक्टूबर वगैरह का टाइम आ जाएगा ना, तो इसमें कुछ बेरीज निकलेंगे, और वो बेरीज आप जो है वो बेरी की तरह खा सकते हो, चटनी बना के खा सकते हो, तो फिर क्यों नहीं खाएं हम। ये मैंने थोड़े से मिर्ची के बीज डाल दिए हैं यहाँ पे, कुछ नहीं सूखी मिर्ची के बीज डाले हैं, ये अपने शिमला मिर्ची के बीज डाले हैं, और ये अपने डारू रूट हैं, अरबी है, वो 2-3 मैं लेके आई और उसको लगाया है। अब ये मेरा लास्ट पॉट है, मेरी प्यारी गुड़िया रानी वो क्या करती है, मुझे देखती है कि मैं पत्तियाँ चुन के ला रही हूँ और खाने में डाल रही हूँ, तो वो उठाती है सीधे धनिया ये अपने मेथी के पौधे उखाड़ती है और मेरे को दे लेती है। तो ये उसकी निशानियाँ पड़ी हैं यहाँ पे, उसने मेथी का पौधा पूरा निकाल दिया। और ये अपना एक और स्ट्रॉबेरी प्लांट है, और यहाँ पे अपना अरबी का पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने यूँ ही एक वो डाल दिया था, हल्दी की गांठ डाल दी थी, और ये 2 ट्रेज में जो है वो भर भर के मैंने मेथी के पौधे लगा रखे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और आगे भी मैं बहुत हार्वेस्ट वीडियोस, रेसिपी वीडियोस और ये सब बनाने वाली हूँ। और बेसिकली मैं एक साइंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन,
और अभी तो घर में ब्रेक ले रखा है, तो कैरियर वगैरह से रिलेटेड भी जो है वो आप लोगों को एडवाइस दूंगी यदि आपको चाहिए हो तो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में हमेशा आते रहें, बेल आइकन को क्लिक करें। और आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर करूँ। तो हैव अ नाइस डे। अपने घर में खाना होगा ना, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आप भी कुछ उगाते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह में आप मुझे टैग करके जो है मुझे बता भी सकते हैं कि आपने क्या उगाया है, और आई विल बी हैप्पी टू सी दैट। सो अब यहाँ ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।